स्वागत है जी आप सबका चिढ़ोरा पॉइंट के एक और नई वीडियो में। भाई आज हम करने वाले चीपर से एक्सपेंसिव दही के कबाब। अब तीन जगह से जी हमने मंगवा लिया, आपको दिख ही रहा है। यहाँ पे हमारे आया जी जस्ट पंजाबी से और इसका हमने अमाउंट पे किया है जी 92 रुपीज। भाई यहाँ पर है जी पिंड बलोची, इसका हमने पे किया 341 रुपीज, 341 रुपए। और जो सबसे एक्सपेंसिव है ये जी हैवमोर रेस्टोरेंट से 625 रुपए, 625 रुपए जी। तो आपको जो है ना इन तीनों की एक एक करके भाई लुक दिखाएंगे, टेस्ट करेंगे और अपना एक्सपीरियंस जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि भाई आपने सबसे महंगे दही के कबाब जो है ना वो कितने के खा रखे और कौन से रेस्टोरेंट में खा रखे ये भी कमेंट करके जरूर बताना। बिल्कुल, अब आपको दिखाते हैं जी इनकी लुक दिखाते हैं, आ जाओ। तो भाई सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं जी 92 रुपीज के जो हमारे हैं जी जस्ट पंजाबी से दही के कबाब। दही के कबाब जी, अब इसको फटाफट ओपन करते हैं जी। तो जी कुछ इस तरीके से आए जी एक साथ में जो है प्राइस के हिसाब से है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी, और ये थोड़ा सा मुरझा भी गया है। सिरके वाले प्याज दिया जी, हरी चटनी दी है। अब फटाफट जो है ना इसको भी खोल लेते हैं जी, देखते हैं क्या निकलता है, क्या ही निकलता है जी, क्योंकि प्राइस भी तो कम है यार। ये है, अरे यार भाई लग तो अच्छे रहे हैं। 92 रुपीज में हमारे पास चार पीस आए हैं जी। ये देख लो भाई ये कैसे लग रहे हैं, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना। मेरे को तो लुक तो काफी अच्छी लग रही है, खुशबू आ रही है कमाल की। और सही बात बताओ ऊपर देखो हल्का फुल्का सा जो है ना मसाला जो है वो डाल रखा है। आपको एक जो है ना ब्रेक करके दिखाता हूँ भाई, दही के कबाब ये देखो यार, ओहो अंदर भी अच्छे खासे मसाले वसाले डले हुए हैं जी। भाई लुक के हिसाब से बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी लग रहा है, बाकी टेस्ट देखेंगे, टेस्ट देखेंगे जी टेस्ट कैसा है, बाकी तो अच्छे लग रहे हैं जी। नेक्स्ट दिखाते हैं अब आपको। तो भाई नेक्स्ट जो है हमारे ये आए हैं जी पिंड बलूची से दही के कबाब। अब आप एक बात बताऊं, ना तो यहाँ ब्रांडिंग है ना यहाँ ब्रांडिंग है, मतलब हम बोलेंगे तो आपको मानना पड़ेगा। एक प्याज है जी और एक चटनी साथ में आई है, और ये इसके ऊपर भी कोई टेप वगैरह नहीं है, कम से कम सेलो टेप भी लगा देते हैं इन्होंने तो लगाई थी यार। और ऊपर प्राइस का जो है वो बिल वगैरह सब प्रॉपर लगा हुआ आया था, और इसका पे कीजिए 341 रुपीज। और भाई इन्होंने ना आज हमें तगड़ा परेशान भी किया है, मैं सही बता रहा हूँ आपको, बहुत लेट आया, बहुत लेट आया जी। अब इसके अंदर आया है जी 6 पीस, और ये लग भी बिल्कुल ऐसे मरे मरे से रहे, वो कितना अच्छा लग रहा था। फ्राई भी बहुत बेकार तरीके से कर रखा है, और यार ये देखो भाई ये कुछ अलग ही तरीके का है जी। जो भी है जी आपको ये ब्रेक करके दिखाते हैं किस तरीके का, अंदर से तो भाई ये फिर भी ठीक लग रहा है, अंदर से तो सही है, बाहर से थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। ये हरी मिर्च डाल रखी है या मटर वगैरह कुछ करके कर रखा है, ये तो खाने में पता चलेगा ये क्या है ना। बाकी लग ठीक ठाक ही रहा है जी, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तो भाई लास्ट हमारे पास है जी दही के कबाब हैवमोर से, जो हमारे सबसे एक्सपेंसिव वाले हैं। 625 रुपए देने पे जी एक तो आपको इस तरीके की डब्बी मिलेगी जिसमें भर भर के प्याज वगैरह हैं, मतलब अंदर नीचे जो है ना मसाले लच्छे वाले प्याज भी है, सिरके वाला भी है, हरी मिर्च भी है, चटनी भी है, नींबू भी है, सब कुछ है, सब कुछ है जी। अब दिखाते हैं आपको इसके साथ में कबाब किस तरीके का है। एक तो पैकिंग जो है ना यार बहुत बढ़िया हो गई, साफ सुथरी हो गई जी। इन सबको साइड करते हैं और इसको खोलते हैं जी, यहाँ से टेप हटाई, अंदर भी फॉइल पेपर में प्रॉपर सही तरीके से पैक करा हुआ है, तो इसको भी खोल देते हैं जी। ओए होए 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 क्या ही रंगत है जी, लेकिन कबाब के सिर्फ 5 पीस रह गए जी। 625 रुपए 6 पीस तो दे देते हैं। ये ना हमें कम से कम कुछ 125 रुपए का एक पीस पड़ गया पंकज, यहाँ पे 92 रुपीज के हिसाब से अगर तू एवरेज लगाए तो तकरीबन तेरे को कुछ 22 रुपए के आसपास, ठीक है, क्योंकि 80 रुपए हो गए ना तो 92 है, तो चलो 22 रुपए के आसपास एक मान के चल लेते हैं। और ये है जी हमारा 125 रुपए का एक पीस। चलो जी बाकी लग सब काफ़ी अच्छा रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि लुक बेकार है, लुक बहुत अच्छी है। और एक ब्रेक करके भी दिखा देता हूँ, बहुत सॉफ्ट और नरम है यार, ब्रेक करने पर पता चल गया आउटर लेयर कितनी पतली है, आप ये देखो बहुत बढ़िया लग रहा है जी। बाकी अब टेस्ट देखते हैं, टेस्ट सबसे बेस्ट किसका लगा। तो जी जिसके साथ साथ जो जो चटनी हमें मिली है जी वो सेम जो है ना हम इस प्लेट में डाल रहे हैं ताकि उसी के साथ जो है ना हम टेस्ट कर लें। यहाँ हमारी प्लेट आ गई जी ये 625 रुपए की जी, ये आ गई जी 341 रुपए की, और ये आ गई जी 92 रुपीज की। बाकी भी कमेंट करके बताना कि लुक के हिसाब से आपको
सबसे बढ़िया कौन से लग रहे हैं, अब टेस्ट करते हैं, आ जाओ। तो भाई इनको टेस्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात पूछनी है। आज जैसे हमारे साथ हुआ है कि ना ऑर्डर ऑलमोस्ट कैंसिल होने वाला था, डेढ़ घंटा वेट करने के बाद आपका ऑर्डर भी जो है ना, मैं गारंटी लेता हूँ कई बार हुआ होगा, कई बार ऐसा होगा कि आपको बहुत तगड़ी भूख लगी हुई है, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे बाद जो है ना सिर्फ सॉरी का मैसेज आ जाता है कि जी आपका ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तब क्या उस कंपनी के ऊपर, चाहे वो स्विगी हो या जोमेटो, क्या उनके ऊपर उस टाइम पे पेनल्टी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? कंपनसेशन मिलना चाहिए कस्टमर को भी, क्योंकि अगर हम ऑर्डर करते हैं रेस्टोरेंट रिसीव कर लेता है उसके बाद हमारे कैंसिल चार्जेस लगते हैं। बिल्कुल, अगर रेस्टोरेंट की गलती कुछ भी हो तब हमारे लिए कुछ भी। मैं ये जानना चाहता हूँ उस टाइम पे जब हम डेढ़ दो घंटे इंतजार करते हैं खाने का और जब वो नहीं आता, क्या स्विगी या जोमेटो या कोई और ऑनलाइन जो ऐप है उसके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? हमारे लिए क्या है, मेनली जितना हमने पे किया होता सिर्फ हमें वही रिफंड आता है, सिर्फ वही रिफंड आता है डेढ़ दो घंटे भूखे मरने के बाद। भाई चलो आज टेस्ट करते हैं 92 रुपीज वाला जो है ना हमारे दही के कबाब, जस्ट पंजाबी। पहले ऐसी टेस्ट करते हैं जी। देखो यार 92 रुपीज के हिसाब से ना तो मुझे ये बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है। थोड़ा सा ड्राई जरूर है, खाने में थोड़ा सा टफ लगा है, लेकिन चटनी के साथ दगा के खाओगे तो ठीक लगेगा। मतलब प्राइस के हिसाब से ठीक है, अगर महंगा होता तो फिर ये वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल ना लगता। हाँ अभी तो भाई ये वैल्यू फॉर मनी है, 92 रुपीज के हिसाब से मुझे ये ठीक लगा है। बहुत ज्यादा वाव नहीं है, वाव नहीं है, लेकिन फिर भी गुजारे लायक है। अब नेक्स्ट जो है ना जी, पिंड बलूची जी, इसको ट्राई करते हैं जरा। हमने पे किया 341 रुपीज। टेस्ट करते हैं जी। देखो जी टेस्ट तो अच्छा है, इसके अंदर हल्की हल्की सी मिठास जो आ रही है ना वो बहुत कमाल की लग रही है। ये इलायची का भी फ्लेवर आ रहा है। हाँ बाकी ठीक लग रहा है, बहुत ज्यादा ये ग्रीन ग्रीन जो है ना, ये आई थिंक शिमला मिर्च डाल रखी है। उसका फ्लेवर तो आया नहीं अभी तक, फ्लेवर तो कुछ भी नहीं आया, ना तो मिर्च का आया ना शिमला मिर्च का आया। मैं अंदाजा ही लगा रहा हूँ कि ये शायद शिमला मिर्च हो सकती है, क्योंकि मिर्च का थोड़ा बहुत फ्लेवर तो फिर भी आ ही जाता है। बाकी इनकी चटनी भी जरा एक बार टेस्ट कर लेंगे। चटनी अच्छी है। अच्छा चटनी के साथ ना टेस्ट और बढ़ गया, बढ़ गया, क्योंकि वो तीखी मसालेदार है और यहाँ पे इसके अंदर मिठास आ रही है। अच्छा लग रहा कॉम्बिनेशन। ये है कि इसकी वो जो है ना जो ड्राइनेस है वो कम हो जाती है, क्योंकि हंकर्ड है सारा का सारा अंदर ड्राई होता है। ये मजेदार लग रहा है यार, मजा आ गया इसको खा के। लास्ट हम ट्राई करने लगे जी हैव मोर के जो है ना जी दही के कबाब। और भाई इसका हमने पे किए 625 रुपए। टेस्ट करते हैं, सबसे ज्यादा नरम है, ब्रेक करने पे ही पता चल रहा है। मजेदार, बहुत स्वाद है। एक तो ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि ड्राई है, मेल्ट हो गया भाई। आउटर लेयर हल्की सी क्रिस्पी है, फ्लेवर बड़े कमाल के, अंदर मिठास आ रही है, इलायची वगैरह का फ्लेवर है, कमाल के फ्लेवर आ रहा है। अच्छा इसके अंदर ना अगर हल्के फुल्के से 625 रुपए यार हमने दिए हैं, अगर इसके अंदर थोड़े बहुत नगेट्स वगैरह कुछ होते ना यार तो मजा आ जाता। थोड़ा बहुत काजू वगैरह एक आध पीस ना इसके अंदर डरा हुआ होना चाहिए, और किशमिश होती तो मैं सही बता रहा हूँ इसका फ्लेवर और बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता। चटनी बहुत स्वाद है, चटनी टेस्ट करता हूँ जरा। स्वाद बढ़ गया बहुत ज्यादा इसके साथ तो। अल्टीमेट जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है ना, मैं सही बता रहा हूँ फ्लेवर्स और टेस्ट जो है ना बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अब ये महंगा जरूर है, बाकी मैं सही बताऊँ ना 625 रुपए के हिसाब से टेस्ट कमाल का है। बाकी घर में खा रहे तो एक्सपेंसिव लग रहा है, अगर हम रेस्टोरेंट में खाते हैं जहाँ पे हमें डाइनिंग एक्सपीरियंस मिलता वहाँ पे ये वैल्यू फॉर मनी, जहाँ पे हम फोटो खींच के अपना स्टेटस भी लोगों को दिखा देंगे जी मैं हैवमोर में बैठ के। महंगे रेस्टोरेंट में बंदा जाता है सबसे पहले पोस्ट डालता है सोशल मीडिया में। बिल्कुल सही बात है, और ये सच है भाई, उसी का तो हम पे करने जाते हैं, उसी का ही हम पे करने जाते हैं कि हम यहाँ पे बैठ के जी खाना खा रहे हैं ताज में कहीं पे भी, पहले पोस्ट डलती है उसके बाद खाना खाते हैं। बाकी ओवरऑल ईमानदारी की बात यह है कि जी टेस्ट बेस्ट है, सबसे बढ़िया स्वाद इसी का ही है। इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं जी, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी भाई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।